Hello friend, hi, this is your guide. Welcome to UPSC Perseverance. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. आज हम यहाँ पे आयुष बाबा का डेली क्विज मंथली कंपाइलेशन डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हम यहाँ पे इससे पहले मैंने दो वीडियो डाले हैं इसके, वहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने और वहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन का वीडियो भी डाला है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो. उसके बाद आज हम यहाँ पे 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो 21st क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जूस कोजेंस और रूल्स के बारे में ही है और यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. दो सेंटेंस दिए आपको. जूस कोजेंस रूल्स हैज़ बीन सैंक्शन बाय द 4 जिनेवा कन्वेंशन एंड इट्स 3 प्रोटोकॉल. दे आर रूल्स इन द इंटरनेशनल लॉ दैट आर पेरेमटरी और ऑथोरेटिव एंड फ्रॉम विच स्टेट कैन नॉट डेविएट. सो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, ओनली 2 यहाँ पे सही है. दे आर रूल्स इन द इंटरनेशनल दैट आर पेरेमटरी और ऑथोरेटिव एंड फ्रॉम विच द स्टेट कैन नॉट डेविएट. सो ये जूस कोजेंस रूल्स एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. जूस कोजेंस और यूस कोजेंस मीनिंग कॉम्पेलिंग लॉ होता है इन लैटिन में ये. उसके बाद में आर रूल्स इन द इंटरनेशनल लॉ दैट आर पेरेमटरी और ऑथोरेटिव एंड फ्रॉम विच द स्टेट कैन नॉट डेविएट. दीज नॉर्म्स कैन नॉट बी ऑफसेट बाय सेपरेट ट्रीटी बिटवीन पार्टीज इंटेंडिंग टू डू सो सिंस दे होल्ड फंडामेंटल वैल्यूज. टुडे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ जूस कोजेंस. मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उन्होंने ये जूस कोजेंस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है, मतलब अपनाया है. विच डेट्स बैक टू द रोमन टाइम्स से. जूस कोजेंस रूल्स हैव बीन सैंक्शन बाय द वियना कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज ऑफ द 1969 एंड 1986. अकॉर्डिंग टू द बोथ कन्वेंशन अ ट्रीटी इज वॉइड इफ इट ब्रीचेस द जूस कोजेंस रूल्स. सो ये जूस कोजेंस रूल्स के बारे में ध्यान में रखना. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द पार्ट ऑफ द E3 ग्रुप ऑफ द कंट्रीज. मतलब E3 ग्रुप का इसका ये कंट्रीज पार्ट नहीं है. सो स्पेन नहीं है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ब्रिटेन एंड जर्मनी है. ये ध्यान में रखना E3 ग्रुप ऑफ कंट्रीज ब्रिटेन फ्रांस एंड जर्मनी है. सो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, उसमें पढ़ लेना आप. और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं. ब्लू डॉट नेटवर्क से रिलेटेड है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. दो स्टेटमेंट दिए आपको यहाँ पे. द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज ब्रिंग द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एन ओपन एंड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क. इट इज़ लॉन्च बाय द जापान एंड इंडिया. सो ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. बट ये लॉन्च जापान एंड इंडिया ने नहीं किया है, ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं किसने लॉन्च किया है. ब्लू डॉट नेटवर्क हैज़ बीन जॉइंटली लॉन्च बाय द US ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉपरेशन OPIC, ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड DFAT, DFAT एंड जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन GBIC. इन तीनों ने मिलाकर ये ब्लू डॉट नेटवर्क यहाँ पर लॉन्च किया है. US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन ने. इसका एम है, द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू ब्रिंग द गवर्नमेंट द प्राइवेट सेक्टर सिविल सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द हाई क्वालिटी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एन ओपन एंड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क. सो इसका एम ध्यान में रखना आप. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम. मतलब ये चार कंट्री का नाम दिया है यहाँ पे और ये इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का पार्ट नहीं है, वो कंट्री बताना है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इंडिया नहीं है इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का, ऑप्शन बी सही है. बट ये जापान USA एंड ऑस्ट्रेलिया है इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम. सो ये इंडिया इज़ अब्सेंट फ्रॉम द इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम क्रिएटेड बाय द US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने क्रिएट किया है. सो ध्यान में रखना, समटाइम्स आपको मैच द पेयर या सेंटेंस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में. गावी के बारे में यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन पूछा है एक मिनट. और दो स्टेटमेंट दिए आपको करेक्ट बताना है. इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप कमिटेड टू इंक्रीज द
increasing access to the immunization in the poor countries. It is not a Gavi supported by the country. India is not Gavi supported country. So option C यहाँ पे सही है, both 1 and 2. डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हम क्या दिया एग्जैक्टली गावी के बारे में. इसे ऑफिशियली गावी बोलते हैं, द वैक्सीन अलायंस. प्रीवियसली गावी अलायंस भी बोलते थे इसे, एंड बिफोर दैट द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म है, इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप कमिटेड टू इंक्रीजिंग एक्सेस टू द इम्यूनाइजेशन इन पुअर कंट्रीज. गावी ब्रिंग्स टुगेदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड डोनर गवर्नमेंट, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड द वर्ल्ड बैंक. द वैक्सीन इंडस्ट्री इन बोथ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग कंट्रीज, रिसर्च एंड टेक्निकल एजेंसी, सिविल सोसाइटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड अदर प्राइवेट फिलान्थ्रोपिस्ट, मतलब इन सारे लोगों ने यहाँ पे ये डोनर गवर्नमेंट, ये डोनर कंट्रीज हैं, मतलब इन सब ने टुगेदर काम करके इसको चलाते हैं. गावी सपोर्टेड कंट्रीज डजंट इंक्लूड इंडिया बट इंक्लूड पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार. इंडिया का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंक्लूड नहीं है, बट पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, हमारे जो पड़ोसी कंट्री स्टेट कंट्री है उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. अन अल असाद, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन पता नहीं इसका, वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, वेयर इट इज़ लोकेटेड, मतलब ये कहाँ पे है. अन अल असाद ये इराक में है, ध्यान में रखना. ऑप्शन नंबर ए सही है. अन अल असाद इज़ एन इराकी आर्म फोर्सेज एंड यूनाइटेड आर्म फोर्सेज बेस लोकेटेड इन द अन अल अनबर गवर्नमेंट ऑफ द वेस्टर्न इराक में है. द बेस इज़ आल्सो यूज बाय द ब्रिटिश आर्म फोर्स इन द इराक. उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 27. नसीम अल बहर इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड, ये ओमान का है, इंडिया एंड ओमान, इसे इसका नेवल एक्सरसाइज है, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है. नसीम अल बहर और सी ब्रिज इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड RNO, रॉयल नेवी ऑफ ओमान, इसका फुल फॉर्म है, बींग कंडक्टेड सिंस 1993 से ये चल रहा है. समटाइम्स आपको एज द पेयर में या फिर सेंटेंस फॉर्म में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेली MCQ क्यूज जनवरी मंथ के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद में यहाँ पे जो कुटपाई फेस्टिवल, ये कहाँ से एसोसिएटेड है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है, ये मिजोरम का है. जो कुटपाई अभी न्यूज़ में था, एज अ पार्ट ऑफ इट्स एंडेवर टू यूनिटी डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ द मिजो गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज द ग्रैंड जो फेस्टिवल अंडर द बैन under the banner Jo Kutpai in an at least 10 different cities across the globe starting from the January 9. अब ये नेट्सको फैन किससे एसोसिएटेड, ये फूड एंड न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड है. नेट्सको फैन ध्यान में रखना, ये एक नेटवर्क है ऑफ रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द एरिया ऑफ द फूड न्यूट्रिशन वॉज रिसेंटली लॉन्च. नेट्सको फैन would comprise of the 8 groups of the institution working in the different areas, biological, chemical, nutrition, labeling, food of animal origin, and food of the plant origin, water and beverages, food testing and safer and sustainable packaging. So, यहाँ पे 8 groups of institution working in the different areas, मतलब ये areas दिए हैं, नेट्सको फैन इन areas में काम करता है. बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशन, लेबलिंग, फूड्स ऑफ ओरिजिन, फूड्स ऑफ प्लांट, वाटर, बेवरेजेस, फूड टेस्टिंग, सेफर एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग. सो PIB का आर्टिकल था ये. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं. गुजी पटू इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है. इट इज़ अ टाइप ऑफ सब अल्टर्न लिटरेचर दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी टू द 1950, रिटन बाय द कॉमन मैन. They recorded important news event, be it in the first train that rolled out in the Royapuram, the introduction of the tram network or the Madras Pamine. So ये गुजली पट्टू पाटू ये ध्यान में रखना तमिलनाडु से रिलेटेड है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गोल्डी लॉक जोन. क्वेश्चन नंबर 31 है गोल्डी लॉक जोन से, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है आपको करेक्ट बताना है. इट इज़ एन एरिया अराउंड अ स्टार वेयर इट इज़ नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड फॉर द लिक्विड वाटर टू एग्जिट ऑन द सर्फेस ऑफ द सराउंडिंग प्लानट. अर्थ इज इन द सन्स गोल्डी लॉक जोन. सो आई थिंक ये दोनों स्टेटमेंट सही है या क्योंकि जो हमारा सन है उसके सराउंडिंग में गोल्डी लॉक जोन्स होते हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, जैसे हमारी धरती यहाँ पे है. सो ये रहने लायक जगह होती है, वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस हो सकता है. उसी के बारे में है यहाँ पे
गोल्डी लॉक जोन्स के बारे में यहाँ पे बताया है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हैबिटेबल जोन आल्सो कॉल्ड इज अ गोल्डी लॉक जोन, इट इज़ द एरिया अराउंड अ स्टार वेयर इट इज़ नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड फॉर द लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट द सर्फेस ऑफ द सराउंडिंग प्लैनेट। ऑब्वियसली अवर अर्थ इज इन द सन्स गोल्डी लॉक जोन। इफ द अर्थ वेयर द ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो इज ऑल इट्स वाटर वुड फ्रीज। ऑन द अदर हैंड इफ द अर्थ वेयर मर्क्यूरी ऑल इट्स वाटर वुड बॉयल ऑफ। अगर अर्थ मर्क्यूरी की जगह होता तो मतलब वहाँ पे बॉयल हुआ रहता वाटर, और यहाँ पे अगर प्लूटो की जगह होता तो फ्रीज हो जाता। मतलब जो हमारा सन है या अपना सॉरी अर्थ है, ये हैबिटेबल जोन के मतलब गोल्डी लॉक जोन में है, मतलब वहाँ पे रहने लायक कंडीशंस है। अगर ये इधर रहता थोड़ा आगे रहता सो मतलब एकदम हॉट जगह वहाँ पे बॉयल हुआ रहता पानी, या फिर रहने लायक कंडीशन नहीं रहती, इंसान मर जाते। और इधर रहता प्लूटो के साइड में दूर रहता थोड़ा, तो मतलब फ्रीज मतलब एकदम बर्फ बन गए रहते सभी लोग, आइस एज में चले गए रहते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टी ओ आई 700D। इसका दो स्टेटमेंट है आपको करेक्ट बताना। इट इज़ द फर्स्ट अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट इन द हैबिटेबल जोन टू बी डिस्कवर्ड। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द नासा ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेटिक सर्वे सैटेलाइट टेस्ट। सो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है टी ओ आई 7D के बारे में। ये नासा ने रिपोर्ट किया था। द डिस्कवरी ऑफ द अर्थ साइज प्लैनेट है ये नेम्ड टी ओ आई 700D ऑर्बिटिंग द इट्स स्टार इन द हैबिटेबल जोन। टी ओ आई 700D इज एन एक्जो प्लैनेट लाइकली रॉकी ऑर्बिटिंग टू आई 700 रेड ड्रॉफ स्टार 101.4 लाइट ईयर्स अवे इन द डोराडो कॉन्स्टलेशन। द एक्सोप्लैनेट इज द फर्स्ट अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट इन द हैबिटेबल जोन डिस्कवर्ड बाय द ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट। द सेवन टी ओ आई 700D मेजर 20% ऑफ द लार्जर दैन द अर्थ। इट्स ऑर्बिट इट्स स्टार वंस एवरी 37 days एंड रिसीव द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज इक्विवेलेंट टू 86% ऑफ द एनर्जी दैट द सन प्रोवाइड थ्रू द अर्थ। द स्टार टी ओ आई 700 इज एन एम डॉफ लोकेटेड जस्ट ओवर 100 light years अवे इन द सदर्न कॉन्स्टलेशन डोराडो। इज रफली 40% ऑफ अवर सन मास साइज एंड हैज़ अबाउट हाफ इट सर्फेस टेम्परेचर। सो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये किस कंट्री से रिलेटेड है इतना पूछा जाएगा, इसने डिस्कवर किया है उतना पूछा जाएगा आपको टी ओ आई 700D के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। यहाँ पे आपको GST काउंसिल के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट बताना है आपको। In case of the voting, every decision of the GST Council has to be taken by the majority of the not less than 3/4 of the weight votes of the member present. The vote of the central government has weightage of 2/3 of the total vote cast and of total votes of the state government taken together have weightage of 1/3 of the total votes. So, इसका option A सही है, आप एक बार pause करके पढ़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे description दिया है। Constitution 101st Amendment Act passed हुआ था 2016 में। In case of the voting, every decision of the GST Council has to be taken by the majority, not less than 3/4 of the weighted votes of the member present, मतलब 3/4 से कम नहीं होने चाहिए। The votes of the central government has weightage 1/3 of the total votes cast and the votes of the all the state government together have weightage of the 2/3 of the total votes cast in that meeting. क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। लिथियम सल्फर बैटरी के रिलेटेड है। लिथियम सल्फर LIS बैटरीज, दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे वेयर रिप्लेस बाय द लिथियम आयन बैटरीज एज दे वेयर ससेप्टिबल टू द ओवर हीटिंग एंड प्रोन टू डैमेज एट अ हाई वोल्टेज एंड LIS बैटरीज हैव लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द लायन बैटरीज। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। लिथियम आयन बैटरी के रिलेटेड, सॉरी फॉर द टंग ऑफ स्लिप टंग, मतलब समटाइम्स हो जाती है स्लिप ऑफ टंग। रिसर्चर्स हु हैव डेवलप दिस न्यू LIS बैटरी क्लेम दैट इट हैज़ एन अल्ट्रा हाई कैपेसिटी एंड हैज़ बेटर परफॉर्मेंस एंड लेस एनवायरमेंट इम्पैक्ट। दिस मीन्स दैट दे मे बी एबल टू आउटफॉर्म द लायन बैटरी लिथियम आयन बैटरीज बाई मोर दैन 4 times। With the lithium ion batteries, some disadvantages include they are susceptible to overheating and they are being prone to the damage at high voltage. Such batteries also start losing their capacity over time. For instance, a laptop battery in use few years does not function as well as new one.
While the material used in the lithium sulfur battery are not different from those in the lithium ion batteries, the researchers have configured that the design of the sulfur cathode, a typical electrical conductor, through the each electron to accommodate high stress without drop in the overall capacity. Further, the lithium sulfur battery are generally considered to be successor of the lithium ion battery because of their low cost production, energy efficiency, improved safety. Their cost of the production is lower because sulfur is abundantly available. So ये आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा. अगर आपको लिथियम सल्फर बैटरी के बारे में जानना है, एक बार पॉज करके आप पढ़ लो. क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में पढ़ते हैं हम. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, HSRA के बारे में यहाँ पे पूछा है. HSRA पब्लिश इट्स मैनिफेस्टो टाइटल द रिवोल्यूशनरी इन 1925. इट वॉज पब्लिश बाय द चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड राम प्रसाद बिस्मिल. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. HSRA के बारे में यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए, बोथ 1 एंड 2. यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है. ये पब्लिश किया गया था मैनिफेस्टो टाइटल रिवोल्यूशनरी 1925 में, और इस्टेब्लिश में यहाँ पे ये किन्होंने किया था, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थापर थे और राम प्रसाद बिस्मिल इसमें थे. ये चार लोग यहाँ पे थे. उसके बाद में यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन में दिया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी. एस्टैब्लिश किया था 1928 एट फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली बाय द चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश. एस्टैब्लिश किया था यहाँ पे इन्होंने, चार लोगों ने, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी. प्रीवियसली इट वॉज नोन एज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA. Sorry for the interruption. And whose written constitution and published manifesto? Manifesto, the revolutionary were produced as the evidence in the Kakori conspiracy case 1925. That's why वो first statement यहाँ पे सही हो जाता है. आपको confuse होगा थोड़ा, ये यहाँ पे 1928 का दिया है and established हुआ था, but ये manifesto 1925 को ही काकोरी conspiracy में यहाँ पे तैयार किया था. Question number 36 पे आते हैं. इंडियन इंपीरियल एसोसिएशन, ये किससे एसोसिएटेड है, ये फिजी से एसोसिएटेड है. इंडियन इंपीरियल एसोसिएशन फिजी वॉज एक्टिव इन फिजी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द इंडेंचर सिस्टम, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफ एंड असिस्टिंग एंड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडियन कम्युनिटी. इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्टेटलर न्यूज़पेपर. यहाँ पे दो स्टेटमेंट है आपको करेक्ट बताना है. इट वॉज स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी इन 1911. सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दोनों स्टेटमेंट गलत है. फिजी मनीलाल डॉक्टर स्टार्टेड इंडियन सिटीजन न्यूज़पेपर. सो ये यहाँ पे महात्मा गांधी ने किया था और ये फिजी में हुआ था, ना कि साउथ अफ्रीका में. इंडियन सेटलर न्यूज़पेपर, सो ध्यान में रखना, इंडियन न्यूज़पेपर सेटलर ये महात्मा गांधी ने किया था, साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था, ये फिजी में हुआ था. मनीलाल डॉक्टर ने स्टार्ट किया था इंडियन सेटलर न्यूज़पेपर. इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, उसमें दिया था. उसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मनीलाल डॉक्टर. मनीलाल डॉक्टर के बारे में ही पूछा है यहाँ पे. ही फॉट फॉर द राइट ऑफ द इंडियन ओरिजिन पीपल इन द मॉरिशियस एंड फिजी एंड ही हेल्प एस्टैब्लिश द आर्य समाज इन मॉरिशस. मॉरिशस में इन्होंने आर्य समाज के लिए हेल्प की थी. सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. ये January 8 में इनका डेट एनिवर्सरी था. मनीलाल डॉक्टर के बारे में है, द कॉलोनियल इरा बैरिस्टर थे, वकील थे. वो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन पीपल इन द मॉरिशस एंड फिजी एंड एसोसिएटेड ऑफ द महात्मा गांधी. डॉक्टर इज महात्मा गांधी के एसोसिएटेड थे ये. डॉक्टर इज एन नोन फॉर हिज एफर्ट टुवर्ड्स हेल्पिंग अबॉलिश द इंडेंचर लेबर सिस्टम दैट इंडियन इमिग्रेंट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वेयर सब्जेक्टेड टू. ही फाउंडेड द हिंदुस्तानी न्यूज़ पेपर इन मॉरिशस विच हैड द मोटो ऑफ लिबर्टी इंडिविजुअल्स फ्रेटर्निटी ऑफ मैन इक्वेलिटी ऑफ रेस. सो ये ध्यान में रखना. डॉक्टर ऑल्सो हेल्प इस्टेब्लिश द आर्य समाज इन मॉरिशस. ही रिटर्न टू इंडिया इन 1911 में ये रिटर्न आए थे. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है. इंडियन इंडेंचर लेबर वेयर ट्रांसपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनीज. मतलब कौन सी कॉलोनीज को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए थे. सो ये यहाँ पे डी है, मतलब ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो है. ब्रिटिश फ्रेंच एंड डच. सो ये इंडियन इंडेंचर लेबर के बारे में ध्यान में रखना.
और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है, ये पढ़ लेना या फिर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा। एन अर्ली वर्जन ऑफ द इंडेंजर लेबर सिस्टम बिगैन इन 1815 वेयर अ ग्रुप ऑफ द कन्विक्ट्स वेयर शिप टू मॉरिशस फ्रॉम द इंडिया, बट द सिस्टम एक्चुअली कमेंस इन 1834 विद द 75 इंडेंजर लेबरर्स फ्रॉम द कलकत्ता एंड बॉम्बे शिप टू द मॉरिशस बाय द गिलेंडर्स अर्बुथनॉट एंड को ब्रिटिश गियाना एंड ऑन मेन लैंड। साउथ अमेरिका बिगैन टू इम्पोर्ट लेबर्स इन 1838 एंड द Over the next few decades, the Indian indentured labors were being transported to all parts of the globe, would by the British, French, Dutch, even as a slavery began to overlap both in the Europe as well as in the colonies administered by the European powers. उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प के बारे में है, संकल्प के बारे में है यहाँ पे। It was launched to ensure safe passage of Indian flag vessels transiting through the South China Sea. ऑपरेशन संकल्प के बारे में यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ये लॉन्च किया था इंश्योर द सेफ पैसेज इंडियन फ्लैग वेसल ट्रांजिस्टिंग टू द साउथ चाइना सी एंड इट वाज लॉन्च बाय द इंडियन नेवी। सो यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प ये लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने, बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हम क्या है। इन द बैकड्रॉप ऑफ द डिटेरियोरेटिंग In the backdrop of the deteriorating security situation in the Gulf region, post attack on the merchant ship in the Gulf Oman in June 19, the Indian Navy had commenced the maritime security operation codenamed Operation Sankalpa in the Gulf region 19 June 2019 to ensure the safe passage of the Indian flag vessels transiting through the Strait of Hormuz. So, ये था ये Operation Sankalpa के बारे में। आज हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके बाद में हम यहाँ पे 41 क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, ये सेकंड पार्ट है। सो अगर आपने यहाँ तक देखा होगा सो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर करना। और अगर आपको कुछ और मैगजीन्स या फिर और क्वेश्चन डाउट जो भी होगा आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपको गाइड करूँगा एज़ पर माई कैपेबिलिटी। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।